हाय फ्रेंड, वेलकम टू हॉरर किड। मैं आज फिर आपके लिए ले आया हूँ और एक मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साइड में हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो को पूरे देखने के बाद वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो चलो आज के हिंदी एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। ये है मनी हाइस्ट सीजन 3 का रिकैप। पिछले सीजन से रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। सीजन 3 की शुरुआत होती है आर्टुरो से, जो एक टाइप का मोटिवेशनल स्पीकर बन गया है और ये इन लोगों को अपने हाइस्ट के दिनों वाली कहानियां सुना रहा होता है। आर्टुरो अब पब्लिक की नजरों में हीरो बन गया है। स्पेन के रॉयल मिंट में हुई उस डकैती को अब 2 साल हो गए हैं और प्रोफेसर की टीम अब अलग अलग लोकेशंस पर अंडरग्राउंड हो गई है। टोक्यो एंड रियो पनामा में, नैरोबी एंड हेलसिंकी अर्जेंटीना में, तो डेनवर मोनिका और उसका बच्चा इंडोनेशिया में। प्रोफेसर ने इन सबको सख्त वार्निंग दी होती है कि पब्लिक प्लेसेस से दूर रहना और किसी भी टाइप का कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस यूज नहीं करना। इसके बावजूद भी बोर होकर टोक्यो पार्टी करने बाहर निकलती है और वहां से रियो का दिया हुआ टेम्पररी यानी बर्नर फोन यूज करके उससे बात भी करती है। बस इसी की देरी थी। इनके इस कम्युनिकेशन को यूरोपोल वाले सुन लेते हैं और फिर इसे ट्रैक करते हुए जाकर रियो को पकड़ लेते हैं। बट टोक्यो मौका रहते वहां से बच के भागने में कामयाब हो जाती है और जाकर सीधा ये खबर प्रोफेसर को देती है। इसी दौरान यूरोपोल वाले रियो की जमकर धुलाई कर रहे होते हैं। प्रोफेसर फिर टोक्यो को थाईलैंड बुलाता है, जहां पर ये लोग प्लान बनाते हैं कि रियो को बचाने के लिए सारे टीम मेंबर्स फिर से एक साथ आएंगे। इसी दौरान प्रोफेसर 3 और नए मेंबर्स को अपनी टीम में ऐड करता है, बोगोटा, पालेर्मो एंड मार्से। ये सारे मिलकर अब बैंक ऑफ स्पेन को लूटेंगे। प्रोफेसर की टीम फिर मैड्रिड जाती है और आसमान से ढेर सारे पैसे की बारिश करती है। फ्री का पैसा जमाने के चक्कर में सड़कों पर लोगों की हड़बड़ मच जाती है, जिसे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट आर्मी को भेजती है। और बस इसी मौके का फायदा उठाकर आर्मी के भेस में प्रोफेसर की टीम बैंक ऑफ स्पेन के अंदर घुस जाती है। ये जो पालेर्मो नाम का बंदा है, उसे बेसिकली प्रोफेसर ने बर्लिन की कमी पूरा करने के लिए हायर किया होता है। ये एक नंबर का शातिर चोर होता है। जैसे ही प्रोफेसर की टीम अंदर जाकर लोगों को रियो के बारे में बताती है, बाहर रायट शुरू हो जाते हैं। जनता अब गवर्नमेंट से डिमांड करती है कि रियो को टॉर्चर करना बंद करो और उसे सबके सामने लाके इंसाफ दिलाओ। बैंक ऑफ स्पेन के गार्ड प्रोफेसर की टीम को तगड़ी टक्कर देते हैं और इसी के चलते पालेर्मो घायल हो जाता है और ऐसा लगता है कि वो अंधा हो गया। बट नैरोबी फिर उसकी आंख से कांच का टुकड़ा निकालकर उसे ठीक कर देती है। इसके बाद प्रोफेसर की टीम अपने प्लान को आगे बढ़ाती है। तो इनका प्लान होता है बैंक ऑफ स्पेन के बेसमेंट में मौजूद तिजोरी को लूटना, जिसके पीछे छुपा होता है ढेर सारा सोना। बट ये काम इतना आसान नहीं होता। इस तिजोरी में एक फेल सेफ मैकेनिज्म होता है, जिसके चलते अगर किसी ने इसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की तो वो सारा एरिया चोरों समेत पानी में डूब जाएगा। और इधर काम आता है टीम का दूसरा नया मेंबर, मतलब बोगोटा। प्रोफेसर ने इसको खास इसी काम के लिए चुना होता है। बोगोटा एक स्किल्ड डाइवर और अंडर वाटर वेल्डर होता है। पानी के अंदर वेल्डिंग मतलब देयर इज नो चांस ऑफ लीकिंग। बोगोटा फिर अपना टैलेंट यूज करके एक काम चलाओ टनल बनाता है, जिसकी मदद से ये लोग तिजोरी के अंदर मौजूद सोने तक पहुंच जाते हैं। इसी दौरान बीच बीच में थोड़े फ्लैशबैक सीन्स दिखाते हैं, जहां हम देखते हैं कि प्रोफेसर को उसके ये नए खिलाड़ी कहां और कैसे मिले और इन्होंने ये काम की प्लानिंग कब की वो सब। बाहर इस ऑपरेशन को हैंडल कर रही होती है नई लेडी ऑफिसर अलीशिया सियारा। सियारा रकील की तरह नरम दिल ऑफिसर नहीं होती। फिर प्रोफेसर और सियारे के बीच बातचीत होती है, जिसके फौरन बाद प्रोफेसर समझ जाता है कि ये बंदी पूरी साइको है और इसे हैंडल करने के लिए प्रोफेसर को लास्ट मोमेंट पर अपने प्लान्स में चेंजेस करने पड़ते हैं। सियारा फिर जाकर रियो को टॉर्चर करके उससे इन्फॉर्मेशन उगलवाने लगती है और दूसरी तरफ इसकी टीम बैंक पर हमला करने की प्लानिंग करती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई प्रोफेसर का आखिर प्लान क्या है, ये बैंक लूट के कैसे रियो को बचाने वाला है। वेल, इनका असली प्लान कुछ और होता है। उस सोने से भरी हुई तिजोरी के पीछे एक और सीक्रेट तिजोरी छुपी होती है, जिसके अंदर कैद होते हैं गवर्नमेंट के कुछ हाईली सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स। पहले तो ये लोग बैंक के गवर्नर को डरा धमका कर उससे तिजोरी खुलवाने का प्लान बनाते हैं, बट बाद में डेनवर उस गवर्नर को डराने की बजाय उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद इन्हें मजबूरन उस तिजोरी को धमाके से उड़ाना पड़ता है। धमाके की मदद से ये लोग तिजोरी तो खोल लेते हैं, बट फिर धीरे धीरे वो सारा एरिया पानी में डूबने लगता है। समय रहते ये लोग उस तिजोरी से 2 लाल कलर के बॉक्सेस निकालकर बाहर लाते हैं। वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स इन्हीं बॉक्सेस में होते हैं। अचानक से सियारा बैंक के ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद डेनवर बाहर आकर उन्हें वो रेड कलर के बॉक्सेस दिखाता है और फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल सियारा को वो अटैक रोकने के लिए कहते हैं, ये डर से कि कहीं ये लोग वो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक न कर दें।
और फिर अंदर प्रोफेसर की टीम के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं, जिसका रीजन होता है नैरोबी का लव ट्रायंगल। सो नैरोबी हेलसिंकी को पसंद करती है, बट हेलसिंकी जो है वो पलेरमो के पीछे लट्टू होता है। फिर एक और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि प्रोफेसर बर्लिन को मनी हाइस्ट के रूल समझा रहा होता है। बर्लिन भैया जो है वो प्रोफेसर का सारा प्लान जाकर अपनी गर्लफ्रेंड तातियाना को बता रहे होते हैं, बट प्रोफेसर उसे बोलता है कि सारे रिलेशन छोड़ और प्लान पर फोकस कर। प्रोफेसर और रखेल एक मिनी वैन में बैठकर सियारा और गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। सियारा फिर प्लान बनाती है कि वो मीडिया में झूठी खबरें फैलाकर प्रोफेसर के इस ब्लैकमेल को रोकने की कोशिश करेगी। इसी दौरान उसकी टीम बैंक पर एक और हमला करने का प्लान बनाती है। इसी बात को लेकर प्रोफेसर और रकेल के बीच थोड़ी अनबन हो जाती है, जिसके बाद प्रोफेसर वैन का कंट्रोल खोकर उसे एक झाड़ी से टकरा देता है। एक्सीडेंट में वैन का एंटीना टूट जाता है और इसी के साथ प्रोफेसर और उसकी टीम के बीच का कम्युनिकेशन भी टूट जाता है। सियारा की टीम को पता चलता है कि प्रोफेसर एक रिमोट वैन में बैठकर अपना काम अंजाम दे रहा है और वो लोग इसी वैन की तलाश में निकले होते हैं। इसके बाद कुछ लोकल फार्मर्स की मदद लेकर प्रोफेसर और रकेल पकड़े जाने से बाल बाल बच जाते हैं। प्रोफेसर फिर किसी तरह उसकी टीम को कांटेक्ट करता है और समय रहते उन पर होने वाले हमले के बारे में बताता है। प्रोफेसर की टीम फिर उन सीक्रेटली हमला करने आए ऑफिसर्स को पकड़ लेते हैं और उनसे जबरदस्ती बेला चाओ गाना बुलवाकर उसका वीडियो सियारा को भेजते हैं, जिसके बाद इनके बीच एक डील होती है। गवर्नमेंट रियो को इनके हवाले करने के लिए राजी होती है, बट बदले में इन्हें चाहिए उनके ऑफिसर्स और 40 होस्टेजेस। दोनों पार्टीज की मंजूरी के बाद ये लेन देन सक्सेसफुल होता है और रियो वापस जाकर अपनी गैंग से मिलता है। बाहर ढेर सारे लोग इसकी खुशियां मना रहे होते हैं, इन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं, बट रियो को वापस भेजने से पहले पुलिस वालों ने उसके अंदर एक ट्रांसमीटर लगाया होता है। एज यूजुअल प्रोफेसर इन सारों से हमेशा दो कदम आगे होता है। प्रोफेसर को ऑलरेडी पता होता है कि ये लोग ऐसा कुछ जरूर करेंगे। रियो फिर जाकर टोक्यो के साथ थोड़ा रोमांस करता है, जिसकी लाइव रिकॉर्डिंग बाहर सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल सुन रहे होते हैं। ये सब रियो का प्लान होता है, इन्हें ये जताने के लिए कि देखो हमको तो पता ही नहीं है कि मेरे अंदर एक ट्रांसमीटर है। मामला ठंडा होने के बाद रियो टोक्यो को समझाता है और उससे ब्रेकअप कर लेता है। डैम सन, ये उसे बताता है कि तू अकेली ही सही है और हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। टोक्यो उसको सुनकर जबरदस्त ब्रेकडाउन वाली स्टेज में चली जाती है। इसके बाद नैरोबी ऑपरेशन करके रियो की बॉडी से वो ट्रांसमीटर निकाल देती है, बट बाहर सबको लगता है कि वो ट्रांसमीटर अभी भी उसके अंदर ही है। दूसरी तरफ पुलिस ड्रोन की मदद से प्रोफेसर और रकेल को ढूंढ लेते हैं और इनका पीछा करते हैं। साथ में पकड़े जाने के चांसेस कम करने के लिए ये दोनों अलग अलग भागते हैं। प्रोफेसर जाकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है और रकेल जाकर एक झोपड़ी में छुपती है। वो झोपड़ी का मालिक किसान रकेल को ढूंढ लेता है और उसे फौरन पहचान लेता है कि इसके सर पर तो ढेर सारा इनाम है। दूसरी तरफ हमारे रॉबर्स पुलिस को चकमा देके भागने का नाटक करते हैं। इसी दौरान सियारा नैरोबी के बेटे की मदद से उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, नैरोबी पहले एक ड्रग डीलर हुआ करती थी जो अपने बच्चे की मदद से ड्रग्स का लेन देन करती थी, मतलब उसके टेडी बियर में माल छुपा के। पुलिस को जब ये पता चलता है तो वो उसे और उसके बच्चे को अलग कर देती है। सालों बाद सियारा इसी बच्चे की मदद से नैरोबी को खिड़की में आने पर मजबूर करती है और मौका देखकर उसे गोली मार देती है। सारे रॉबर्स मिलकर नैरोबी का खून रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी पुलिस वापस इन पर हमला करती है। उधर पुलिस वाले जाकर रकेल को पकड़ लेते हैं। इसी दौरान ये कॉन्स्टेंटली प्रोफेसर से बात कर रही होती है कि तभी अचानक प्रोफेसर को गोली की आवाज आती है और कम्युनिकेशन टूट जाता है। प्रोफेसर को लगता है कि रकेल मर गई। तभी पलेरमो भी प्रोफेसर को कॉन्टेक्ट करता है और बोलता है कि उनका प्लान फेल हो रहा है, नैरोबी को गोली लगी है और पुलिस वाले किसी भी वक्त अंदर घुस सकते हैं। प्रोफेसर अब पूरी तरह से टूट चुका होता है और फिर वो जंग का ऐलान कर देता है। सारे रॉबर्स बंदूकें उठाकर पुलिस से लड़ने की तैयारी करते हैं। फिर हमें पता चलता है कि रकेल जिंदा है। सियारा के कहने के मुताबिक इसके ऑफिसर्स ने प्रोफेसर को ये यकीन दिलाया कि वो मर गई, ताकि प्रोफेसर इमोशनल होकर कुछ उल्टी सीधी हरकत कर दे। प्रोफेसर धीरे धीरे अब अपने ही बनाए हुए जाल में फंसता जा रहा है और यहाँ होता है सीजन 3 खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए हैं जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वन।